अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, इंजाइम काइनेटिक्स का, इंजाइमोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसमें क्या है भैया, अब ना हमारी लाइफ में भी कुछ लोग होते हैं जो बस मतलब हमारी प्रोग्रेस में बस अड़ंगा डालना चाहते हैं, टांग अड़ाना चाहते हैं। ऐसे ही बेचारे इंजाइम की दुनिया में है, इंजाइम में भी कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो इसको परेशान करेगा, इसका काम नहीं होने करेगा, जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको इनहिबिट करेगा। तो ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंजाइम इनहिबिशन बोलेंगे। ये दो टाइप से होती है, एक टाइप तो ये है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल है ना, इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल खत्म कर देगा इंजाइम को, दोबारा काम आने का छोड़ेगा ही नहीं, चाहे वो रहे या नहीं रहे इनहिबिटर। बट इंजाइम तो गया बेचारा, एक बार फंस गया तो फंस ही गया, मार दिया उसको भी मार। जबकि रिवर्सिबल में क्या है कि इनहिबिटर हटते ही एंजाइम फिर से काम करने लग जाएगा। अब ये इनहिबिटर काम कैसे करता है, देखो नॉर्मल सी चीज है, ये अपना ई प्लस एस, ई एस और ये अपना पी निकल गया, ठीक। अब हुआ क्या, इसमें इनहिबिटर क्या करेगा, आएगा या तो यहीं पे पंगा कर देगा या यहाँ पे पंगा कर देगा या इन दोनों जगह पंगा कर देगा, उसकी मर्जी है। इनहिबिटर, कोई इनहिबिटर तो क्या होगा कि यहाँ पे पंगा करेगा फ्री स्टेट में, कोई इनहिबिटर क्या करेगा जब कम्प्लेक्स बना होगा, ई एस कम्प्लेक्स बना होगा वहां पे पंगा करेगा, और कोई कोई दोनों जगह, बस ये वाली चीज याद रख लेना है और दो चार ग्राफ याद रख लेना है, आपकी नैया पार हो जानी है। कम्पिटिटिव में क्या होता है, कम्पिटिटिव में आता है, अब मैंने बता दिया कि कैसे कैसे परेशान करता है, तो अब परेशान करने के मजे देखो। कम्पिटिटिव, अच्छा जो इन्हीं बीच ने तीन टाइप की है, कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव। अब तीनों के मजे देखो, उनके मतलब एक टाइप से ये देखो कि क्या क्या उनकी फीचर्स है। कम्पिटिटिव में क्या होगा, आएगा और फ्री एंजाइम पे लगेगा, आके कहाँ पे लगेगा, फ्री एंजाइम इस वाले पार्ट पे, ना कि ई एस कम्प्लेक्स से, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो बेचारा ये वाला बंदा परेशान करना है, बात खत्म। कंपिटिटिव क्या करेगा, यहाँ पे खत्म करेगा, और कैसे होगा ये, ऐसा नहीं है कि कुछ और, जहां पे भाई सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा था ना, वहां पे अब मैं आके अटैच होऊंगा। अब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की लड़ाई चल पड़ेगी कि मैं जाके अटैच हूं या तू जाके अटैच हो, तो एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। इसी वजह से इसका क्या है, कंपिटिटिव इनहिबिटर, इनहिबिशन। और ये कहाँ पे जाके अटैच होगा, एक्टिव साइट पे और फ्री एंजाइम पे, दो पॉइंट याद रख लेना। फिर है नॉन कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव में क्या होगा, जो अपना फ्री एंजाइम है यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और ये यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, बट ये एक्टिव साइट, अगर बाई चांस यहाँ पे अटैच हो रहा है ना, तो ये एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होगा, किसी और जगह अटैच होके कंफर्मेशन चेंज करवा देगा कि वो सब्सट्रेट से अटैच ना हो पाए एंजाइम। जब सब्सट्रेट से एंजाइम अटैच ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, या बनेगा तो बहुत धीरे धीरे वो वाला काम मान, मतलब कहने की बात है इंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। बस इस वाले पार्ट में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में ये अपना एक्टिव साइट पे नहीं करेगा, ये कहीं और करेगा, कहीं और करने के बाद ये कंफर्मेशन चेंज करवा देगा जिसकी वजह से सब्सट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा। फिर आता है अपना अनकम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव क्या करेगा भैया, ये आगे अटैच होगा इधर, कि आएगा और वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स पे, ठीक। इतना ही है जो समझना है। इसके बाद इनके जो ग्राफ है वो रटने हैं, हाँ बस एक जस्ट बताता हूँ, अनकम्पिटिटिव और ई एस, दो दो वर्ड है, दो दो मतलब अल्फाबेट है, यहां से याद कर लेना। कम्पिटिटिव हो ही गया कि भैया कंपटीशन है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में। नॉन कम्पिटिटिव देखो, तीन वर्ड है, तीन है ना, तो इसका एक तो मान लो ई और एक मान लो ई एस, भूलने के बहुत ज्यादा चांस होती है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक्स है। यहाँ पे तीन वर्ड है, तीन वर्ड में क्या हो गया, अपना ई और एस, मतलब तोड़ोगे तो यहाँ पे भी तीन वर्ड में, यहाँ पे कितने हैं अल्फाबेट, दो है और यहाँ पे भी दो है। इसको नॉन कॉम्पिटिटिव को हम मिक्स भी बोल देते भाई, ये भी याद, यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे भी तीन है, हो गया याद, भूलना नहीं चाहिए भैया, जस्ट सिंपल सी बात है, नॉन
तीन है तो मतलब ई प्लस ई एस दोनों पे लगता होगा, बात करता हूं। चले आगे, अब ये है हमारा कंपिटिटिव ग्राफ वगैरह। कंपिटिटिव क्या कर रहा था बेचारा, कंपिटिटिव क्या कर रहा था, एक्टिव साइट के ऊपर लड़ाई कर रहा था, या तो सब्सट्रेट लेगा या इनहिबिटर लेगा। अब देखो नॉर्मल सी चीज है, ये वाला नॉर्मल इसके कर्व जानी चाहिए थी, ये जो जा रही है, बट अब क्या हो गया कि अभी एक इनहिबिटर और आ गया, इनहिबिटर और आ गया तो क्या कर रहा है, वो सब्सट्रेट के साथ पंगा करवा रहा है, सब्सट्रेट के साथ पंगा करवा रहा है, तो अब एफिनिटी कम होगी ना, एफिनिटी कम हो गई मतलब लगाव तो कम हो गया ना, कि अब कोई तीसरा बंदा आ जाए तो कुछ तो दिक्कत क्रिएट कर ही रहा है वो तो एफिनिटी कम होगी, इसका मतलब केएम हमारा बढ़ गया, केएम हमारा बढ़ गया, और जो वो जो इरेक्शन स्पीड वगैरह थी वो थोड़ी सी पहले से कम हो गई। भाई हाँ सिंपल सी बात है, कंपटीशन हो रखा तो थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब बाई चांस एक दस एंजाइम थे, 10 एंजाइम में से 4 तो इनहिबिटर ने ले लिए, 6 सबस्ट्रेट को मिले, अदरवाइज पहले क्या था 10 के 10 एंजाइम उसको सबस्ट्रेट को मिल रखे थे, तो चीजें तो कम हुई ना, और इसमें क्या होगा केएम बढ़ जाएगा, ये चीज याद रखना है। और ये अपना कौन सा है, जब हम एलबी प्लॉट बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, एलबी प्लॉट कैसे बनेगा, केएम हमारा कम हो गया, और ये एक बार भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट रट लेना है, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो गई है ना तो आप इनको आराम से समझ भी लोगे, तो कहने की बात है दिमाग पे ज्यादा वो लोड नहीं लेना। अनकम्पिटिटिव आई है अपना नॉर्मल सी चीजें, ये जा रहा था जो अपनी नॉर्मल कर्व होती है, अब इसमें बेचारा ये वाली कर्व आई और केएम कम हुआ था, केएम कम हुआ था 1/KM कम हुआ था, तो थोड़ा सा इस साइड हो गई है, और बस इस पे एक ध्यान रखना है 1/V पे ये इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला CSIR नेट का क्वेश्चन है कि किस ग्राफ में अपना वी 1/V एक्सिस पे ये अपनी लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, कंपिटिटिव। और इसका के अपरेंट क्या होगा, केएम अपरेंट का फार्मूला है, केएम अपरेंट इज इक्वल टू केएम 1+ इनहिबिटर की कंसंट्रेशन और उसका के आई, इसको हम नॉर्मल केएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, केएम अपरेंट मिल जाएगा। ये हो गया हमारा फार्मूला, बहुत जरूरी है, गेट में कई बार क्वेश्चन आया है इसी से। दूसरे वाला क्या है हमारा पॉइंट भाई, दूसरे वाला पॉइंट है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, नॉन कॉम्पिटिटिव में 3 अल्फाबेट ई और ई एस, नॉन में भी 3 और यहाँ पे भी 3 अल्फाबेट, उसे याद कर लेना है, एक्टिव साइट पे नहीं लगेगा, बस ये ध्यान रखना है, और इसका ये फार्मूला हो जाएगा, और इसमें ना वी मैक्स कम हो जाएगी, वी मैक्स देखो नॉर्मल सी कम हो ही गई यार, दो दो जगह कोई पैर पकड़ रहा है, दो दो जगह ई पे भी मारने के लिए बैठा और ई एस पे भी मारने के लिए बैठा, तो वी मैक्स तो कम हो ही जाएगी ना, बस सिंपल सी बात ये है। और इसके ग्राफ कैसे बनेगा भैया, ऐसे बनेगा, वी मैक्स कम हो जाएगी जबकि केएम हमारी सेम रहेगी, क्योंकि एक्टिव साइट के साथ तो ये पंगा नहीं कर रहा ना, एक्टिव साइट के साथ तो इतनी एफिनिटी है, इसलिए केएम सेम है और वी मैक्स कम हो जाएगी। एक तो ये ग्राफ है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है वो ये वाला है, दूसरा इम्पोर्टेंट ग्राफ है ये वाला, ये वाली चीज आ गई। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जाके अटैच हो रहे हैं एक्स एक्सिस पे, इस पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 1/S जो एक्सिस है उस पे कौन सा इनहिबिशन का ग्राफ इंटरसेक्ट करने लग रहा है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, इस पे -1/KM होता है -S वाली पे, एलबी प्लॉट में ध्यान रखना है, एक बार याद कर लिए इसलिए वो टॉपिक करना जरूरी है। अनकम्पिटिटिव कहाँ पे जाके अटैच होगा, ES पे अटैच होगा, पर इसमें बस ध्यान ये रखना है Vmax प्लस KS दोनों कम हो जाती है, Vmax प्लस KS दोनों कम हो जाती है, और ग्राफ बनेंगे कुछ इस टाइप के, इसमें ये पैरेलल लाइन आती है भाई, जो ये लाइन आएगी ना ये पैरेलल लाइन होने वाली है, क्योंकि इसमें Vmax भी कम हुआ और अपना KM भी कम हुआ है, ये भी याद रखना हमें, पर इस टाइप की चीजें हमारी ग्राफ दोनों ये हो गए, रट्टा मार लेना अच्छे वाला। वैसे एक बात बताऊं, अगर आप
मास्टर डिग्री कर रहे हो और ये वहां पे इनकी ना पूरी डेरिवेशन निकलवाई जाती है आपसे, तो इतना आपको नहीं करना फिलहाल। फिलहाल ये मानो अगर वहां पे आ रहा है तो आपको जो MM इक्वेशन की हमने डेरिवेशन करवाई ना वो अच्छे से होनी चाहिए, तो अगर वो अच्छे से है तो यहाँ पे ये डेरिवेशन भी निकल जाएगी। हमने अपनी मास्टर्स में किया ये, बट आपको इतनी जरूरत नहीं है, तो आपको जस्ट ये फार्मूला फाइनल फार्मूले याद है, फार्मूल वो मतलब कॉन्सेप्ट याद है, मोर देन सफिशियंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और नॉर्मल बैचलर डिग्री के लिए और कई सारे कॉलेजेस की मास्टर डिग्री के लिए भी। और एक ये है कि भैया कम्पिटिटिव में नो चेंज, इसमें चेंज, इसमें दोनों की डिग्री, जो चीज़ मैंने अभी लिख रखी थी उसी का समअप यहाँ पे हमने किया है। इंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।